केंद्र की सरकार जो भी फैसला लेती है तो उसके हम कोई विरोध में नहीं है। काले धन पर अंकुश लगाने के लिए फैसला ऐसा होना चाहिए जिससे पूरे देश की जनता आसमान के नीचे आकर खड़ी ना हो जाए। पूरा विपक्ष, चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में, ये मांग कर रहा है कि प्रधानमंत्री जी को सदन में आना चाहिए और बात सुननी चाहिए, और बात सुनकर जो भी उनसे त्रुटि हुई है इस फैसला लेने में, जो भी कमियां रह गई हैं, विपक्ष सुझाव देगा तो उनको सुनना चाहिए, उसके ऊपर अमल करना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। मैं ये पूछना चाहती हूँ प्रधानमंत्री जी से कि ऐसा डर क्यों है? यदि उन्होंने अच्छा काम किया, नेक काम किया है, जनहित में काम किया है, काले धन पर अंकुश लगाने के लिए काम किया है, तो प्रधानमंत्री जी घबरा क्यों रहे हैं? इसका मतलब दाल में, मैं फिर इस बात को दोहराती हूँ, थोड़ा नहीं बहुत कुछ काला है, गड़बड़ है जरूर इस मामले में। इसलिए ये जो केंद्र की सरकार, ये जो अपना तानाशाही वाला रवैया, अड़ियल रवैया जो अपनाए हुए है, ये ठीक नहीं है। और आज मैं मीडिया के माध्यम से, मैं आज आपके बीच में क्यों आई हूँ कि आज मैं मीडिया के माध्यम से तो महामहिम राष्ट्रपति जी से ये आग्रह करती हूँ कि वो प्रधानमंत्री जी को सम्मन करें, उनको बुलाएं, और उनको बुलाकर उनको ये कहें कि ये जो आपके फैसले से जो विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं, तो उनको वो दूर करें, उनको कुछ समय दें, उनको कुछ समय देना चाहिए, उनको बताएं कि इतने दिन में आपको ये प्रॉब्लम्स को हल करना होगा। मैं समझती हूँ कि महामहिम राष्ट्रपति जी को इस मामले में सामने आना चाहिए।